मैंने खुद सुना वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा? जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे पुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक है। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन युजार सिफ के मुतालिक है। क्या युजार सिफ की फर्जंद मुतबन्ने वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म और रिवाज के बरखिलाफ है। युजार सिफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानिंद होता है जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें युजार सिफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है, बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूं, इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। युजार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते, खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है, पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त युजार सैफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मकदार ये कहे गजा दे दें। निगहबानों के लिए गजा 5 अफराद की, अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को गिज़ा की जरूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं नहीं खाते, लेकिन क्या बंदों की गिज़ाओं को मुतबर्रक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए?
और जब तमाम खुदा इस गिजा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो गिजा मुतबर्रिक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत चार गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हजवे जरूरत गिजा भी मुयसर नहीं। और क्या? अगर खुदा इस गिजा को मुतबरिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगे। बस करो, अगर खादिम ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते कम अज कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ खाया करो। चलो ये जादूगरनी अब गई है ताकि युजार सीख के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा गजा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो, जनाबे उन्हीं पर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनफर किप्टा की रसवाई और एक ये है काहिनों की रसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नैनफर किप्टा को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और जहीन बच्चा है जनाबे हनीफर। अच्छा तो क्या हो रहा है इजार सीर, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। इजार सीर का मोहब्बत के काहिनों से झगड़ा हो गया था, ये उनकी ज्यादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युजार शेफ, इनके गजा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक युजार शेफ वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनान कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम गिजा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। हनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और सुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। युजार सेफ कहाँ हो तुम? यहाँ हो नेमी साबो, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं, क्या तुम काफिर हो?
मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कसर के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तस्दीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर गिजा लेती है और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं, जोहाने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें, अगर इसने अरबाब मोहब्बत को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा। आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है? ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीफ जो नहीं था। युजार सीफ, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महरो मोहब्बत जानता है, इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार सेव बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफेदार भी होगा। जनाबे पुतीफार की सुफरेदारी के लिए मैंने बहुत तगोदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़े चराने वाला इब्रानी, क्या आया सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाबे पुतीफार है। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदौली तो नहीं कर सकता ना? अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेतीबाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिफ से बात करो। होनी पर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। आप क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ।
अब तो सुफरेदार और खान सामाए जनाब पुतिफार यूजारसीफ हैं, अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ऐ काश तुम जानते के मैंने जनाब पुतिफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगोदो की थी। शायद इसे नर्सल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावंद मुझे बख्शे, अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे माफ कर दें, मैं इसकी तलाफी की कोशिश करूंगा, आप परेशान मत हो। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबत के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और इसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में इसे मदाखलत की इजाजत मत दें। युजार सीफ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं। बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे कसम में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजार सीफ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतिफार के गोश गुजार करें। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजार सीफ सिर्फ फहरिस्त की रूह से, जो हमने ही उसके हवाले की है, अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबत का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबत के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नजर भी यही सवाल था। युजार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज किया, हमने खुदाओं और माबत के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार, माबत की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबत के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबत के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लाखर? क्यों जनाब पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलामों और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनूदी की खातिर जहमत उठाते हैं, जबकि कहाइनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। युजार सीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युजार सीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबेन ये इख्तलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब
नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबदे आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकारे आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद बर काहिन आजम माबदे आमून अली जनाब, गुजारिश है। कहो, सुन रहा हूं। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूं कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिना ने माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीव है आमून और माबत के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था, इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई फरिश्तों की तरह है, बिल्कुल कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफरा है, तुमने सजा है युजार सीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजार सीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है, गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्र गुजार हूँ युजार सीफ। क्या नौजवान युजार सीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब,
आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उकता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया जासिफ। माफी चाहता हूँ अली जनाब, फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ, अब सुफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सुफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं यूनिफर से कह दूंगा कि गोया और सुफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूसासी मुझे हदिया किया था, दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूसासी कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था, यूसासी वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसान मंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ व इनायात का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून और मशकूर रहूंगा। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना एक कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई है। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताबखाना सुफर ने मुझे पढ़कर सुनाई है। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इख्तदारे मिस्र अबदी नहीं है, जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगैयुरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने गुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी, अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूसुफ़?
मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ ये तगैयुर एक फस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वकूअ पज़ीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ हाँ मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूज़ार सीफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अकलमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आजम को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इजहार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानो के सामने मोहतात रहना क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनान मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूँ? अरबाब इख्तियार माबूद बहुत गुस्ताख और खुद सर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब इतना काफी है, जाओ आराम करो। खुदावंद अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावंद पुतिफार बानो जुलेखा नीमी साबू हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावंद मेरी माँ की रूह को शाद व मसरूर रख।